Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to learn ENV subject chapter 4, My Body. Students, ये my body means हमारी शरीर. आपको हमारा इससे क्या याद आता है? इससे आपको अपनी body parts याद आते हैं, जैसे कि आपने senior KG में सीखे होंगे. हमारे body parts कौन-कौन से हैं? Head है, hand है, leg है, ear है, eyes है ना? तो ये सब अलग अलग बॉडी पार्ट्स है. सब बॉडी पार्ट्स कैसे हैं? हमारे स्पेशल है ना, स्पेशल है. अगर किसी भी बॉडी पार्ट को चोट लगती है तो हमें दर्द होता है ना. यस, अगर हमारे टीथ में दर्द हो जाए या हमारी फिंगर्स कट जाए तो हमें चोट दर्द होता है. यस, हमें बहुत दर्द होता है और हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं. क्यों? क्योंकि हर बॉडी पार्ट के पास एक सेंस होता है और जो अलग अलग तरह के काम करता है. तो चलो आज हम देखते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स. ओके, अवर बॉडी, हमारी बॉडी, अवर बॉडी इज वंडरफुल. हमारी बॉडी कैसी है? वंडरफुल, बहुत अच्छी. भगवान ने हमें जितने भी पार्ट्स दिए हैं, बॉडी पार्ट्स दिए हैं, वो बहुत ही सोच समझ कर दिए है ना. एक भी बॉडी पार्ट्स कोई भी काम रिपीट करता नहीं है. हर एक को पर्टिकुलर काम दिया है, उसे वही काम करना होता है. तो ईच ऑफ देम इज स्पेशल. इसीलिए हर एक हमारा बॉडी पार्ट्स कैसा है? स्पेशल है. ईच वन हैज़ अ डिफरेंट नेम एंड यूज. हर एक का डिफरेंट डिफरेंट नाम है और डिफरेंट डिफरेंट यूज है. जो काम हमारी आई करती है वो हमारे ईयर नहीं करते, और जो ईयर करते हैं वो माउथ नहीं करता, जो माउथ करता है वो लेग नहीं करता है ना. तो हर एक का अलग अलग नाम है और हर एक का अलग अलग यूज है. तो अभी हमें यहाँ एक पिक्चर दिया गया है, इसके हिसाब से हम हमारे बॉडी पार्ट्स को जानेंगे और उसका काम देखेंगे. देखो, सबसे पहले हमारे ऊपर अपने सिर पर हाथ रखो. क्या आता है आपके हाथ में? यस, हेयर. क्या है? हेयर. ये बॉय है इसलिए इसके हेयर इतने छोटे हैं. गर्ल के हेयर कितने होते हैं? लंबे, इतने लंबे, इतने लंबे है ना. तो सबसे पहले आपके हाथ में क्या आता है? हेयर. यस, अब हेयर के नीचे क्या है? हेड. ये दिखाई दे रहा है आपको? हेड. यस, हेड के नीचे क्या, हेयर के नीचे क्या होता है? हेड. हेड यानी माथा है ना, जिसमें दिमाग होता है हमारे लोगों का. यस, उसे क्या कहते हैं? हेड. अब हेड क्या काम करता है? सोचने का काम करता है, याद रखने का काम करता है ना. यस, हमारी पूरी जो बॉडी है उसका रिमोट किसके पास होता है? हमारे हेड के पास. किसके पास होता है? हेड के पास. ये जो हेड है वो हमारी पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देती है और वो इस तरह से काम करते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हेड. अब देखिए ये क्या है? आई. क्या है? आई. आई क्या काम करती है? देखने का काम करती है. ईयर, ईयर सुनने का काम करते हैं. नोज, नोज स्मेल करने का काम करते हैं. माउथ, माउथ क्या करते हैं? बोलने का काम करता है, खाने का काम करता है, पीने का काम करता है ना. ये क्या है? नेक. नेक यानी गला. ये क्या है? चेस्ट. स्टूडेंट्स, इस ये चेस्ट जो है ये यहाँ से यहीं तक होता है ना, इतने पार्ट को ही हम चेस्ट बोलेंगे. ओके, और ये क्या है? हमारा पेट. उसको क्या बोलते हैं? स्टमक. क्या बोलते हैं? स्टमक. स्टमक यानी पेट और चेस्ट यानी छाती. तो यहाँ से यहाँ जब तक जो होती है उसे क्या बोलते हैं? चेस्ट. और इसे क्या बोलते हैं? स्टमक. क्या बोलते हैं? स्टमक. ये क्या है स्टूडेंट्स? आर्म. आर्म यानी हाथ. इतने पार्ट को हम क्या बोलेंगे? आर्म. क्या बोलेंगे? आर्म. ये क्या है? हमारी फिंगर. क्या है? फिंगर. फिंगर यानी उंगलियां. ये क्या है स्टूडेंट्स? नी. ये क्या है? नी. नी यानी घुटना. नी यानी घुटना. ये क्या है स्टूडेंट्स? हमारे लेग. क्या है? लेग यानी पग. अब टॉस. टॉस यानी हमारे पग की जो उंगलियां होती है, पैरों की उंगलियां, उसे क्या कहते हैं? टॉस. और ये क्या है? फुट यानी ये जो भाग होता है हमारे पैर के ऊपर का, उसे क्या कहते हैं? फुट. क्या कहते हैं? फुट. ये है हमारी बॉडी पार्ट. ये क्या है? हमारे सारे बॉडी पार्ट. अब ये बॉडी पार्ट किस तरह से काम करते हैं ये हम अगले सेशन में देखेंगे, कि हमारे बॉडी पार्ट्स जो है
वो हमें किस तरह से हेल्प करते हैं, है ना, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको अपने बॉडी पार्ट्स याद रह गए हों।